हाय गाइज, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक अल्ट्रासाउंड मैं आपको दिखाने वाला हूं और इस अल्ट्रासाउंड में बेसिकली स्टोन आई है। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि इम्पैक्टेड मतलब चिपकी हुई राइट साइड में VUJ कैलकुलस मतलब वेसिकुलो यूरेट्रिक जंक्शन पर एक कैलकुलस आई है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बेसिकली कौन सा जंक्शन होता है और किस जगह पर होता है, और उसका साइज़ इन्होंने लगभग दिया है 18 mm के आसपास किया है, यानी कि काफ़ी बड़ी है। ठीक है, कोजिंग ये क्या कर रही है भाई, मॉडरेट हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि मॉडरेट हाइड्रो शब्द जो भी प्रयोग होता है पानी के लिए किया जाता है, हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस मतलब गुर्दे के अंदर जो है एक प्रकार का बैक प्रेशर बन रहा है। यानी कि ये जो कैलकुलस है, ये जो पथरी है, इस पथरी ने पाइप जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये होती है हमारी किडनी और इस किडनी से आता है एक पाइप, और ये पाइप यहाँ पर जा करके ब्लैडर के अंदर गिरता है। ठीक है, ये जो है ये ब्लैडर है। तो दोस्तों, ब्लैडर के और इस पाइप के जो जंक्शन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोन फंसी हुई है। इसी जंक्शन को VUJ जंक्शन कहा जाता है, J4 जंक्शन। और यहाँ पर जो स्टोन फंसती है वो, ये बहुत नैरो बहुत पतला से जगह होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर स्टोन फंस जाए। अब देखिए आप, यदि यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाएगा 18 mm की स्टोन से, तो आप देख पाएंगे कि ये जो पाइप है इसमें से यूरिन आगे नहीं जा पाएगा और इसी में कलेक्ट होने लग जाएगा, इसी पाइप में। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो है, जब यूरिन तो किडनी लगातार फिल्टर करती रहेगी लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज है, तो फिर क्या होगा कि किडनी जो है वो फूल जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ ही आप यहाँ पर दे सकते हैं कि VUJ कैलकुलस बताइए और 18.1 mm के आसपास की बताइए। यूरेटर में भी नेफ्रोसिस मतलब यूरेटर के अंदर भी प्रेशर बना हुआ है। तो ये बेसिकली मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। 18 mm की स्टोन जो होती है, यदि किसी कारण से ब्लैडर में भी जाके गिर जाती, तो ब्लैडर से जो आके यूरेथ्रा जाती है, तो पेशाब की नली से फिर नहीं निकल पाती वो, इतनी बड़ी स्टोन। तो इसमें इस पेशेंट को जो है सर्जरी की ही ज़रूरत है, और इसमें कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि जब हाइड्रो नेफ्रोसिस वो भी खास करके मॉडरेट लेवल की जो है बन चुकी है, तो ऐसी स्थिति में किडनी जो है वो डैमेज होने का, ख़राब होने का भी पूरा पूरा खतरा होता है। ये एक गंभीर स्थिति है, ये एक इमरजेंसी की स्थिति है, इस स्थिति में सर्जरी ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र इलाज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्या आप में से कभी किसी को जो है इस तरह की पथरी का सामना करना पड़ा है? अगर करना पड़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे से साझा कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इसी तरह की, तब तक के लिए नमस्कार।